बहुजन समाज पार्टी को कैसे बचाया जाए, आज हर एक व्यक्ति विशेष इसके अंदर अपनी सोच लगाने लगा हुआ है, अपने गणित लगाने लगा हुआ है। लेकिन माननीय श्री काशीराम साहब द्वारा चलाई गई मूवमेंट को आज कोऑर्डिनेटर द्वारा खंडित किया जा रहा है, उसको कंगाल खंड बना दिया गया है। ये हालत हो गई है, मात्र 18 विधायक, 10 सांसद और 28 विधायकों द्वारा 10 सांसदों से सरकार बनाई जा सकती है, नहीं बनाई जा सकती। माननीय साहब काशीराम ने 85% ओबीसी एससी एसटी समाज को जोड़ा था और आज इस में चाटुखोरों द्वारा, कोऑर्डिनेटरों द्वारा माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के जाटव वर्ग ही रह गया है। काशीराम साहब ने कहा था, ऐ मेरे समाज के लोगों, बहुजन समाज पार्टी को बचाना बहुत जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी बचाई जा सकती है, वरना हालत बहुत भयंकर होने वाले हैं। और बहुजन समाज के लोगों को नौकरी चाहिए, देश में अपने अपने समाज की सुरक्षा चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना बहुत जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार एक वर्ग से ही बन नहीं पाएगी। जब तक इसमें सभी एससी एसटी ओबीसी नहीं मिलेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। काशीराम साहब ने कहा था कि जब तक इस बहुजन समाज में दलाली रहेगी, तब तक इसका विकास नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार दौर से जाटा वर्ग के अलावा कोई दूसरा वर्ग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरा वर्ग नहीं जुड़ेगा जब तक हमारे विधायक सांसद जीत कर नहीं आएंगे। सांसद ही नहीं जीत पाएंगे तो सरकार कैसे बनेगी। इसलिए ये दलाली बंद करवाना बहुत जरूरी है। जिस दिन दलाली बंद हो जाएगी, उस दिन वर्ग के लोग बहुजन समाज से जुड़ने लग जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के सांसद विधायक भारी तादाद में जीत कर आएंगे। जो लोग लखनऊ में सरकार बनाएंगे, फिर दिल्ली में भी सरकार बनाएंगे। आज सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने को तैयार हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जिन्हें कोऑर्डिनेटर कहा जाता है, वो मूवमेंट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि लोगों के अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है और वो बहुजन समाज से पार्टी से नहीं जुड़ पाते हैं। जबकि आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि नए तरीके के आविष्कार किए जाएं, जैसे माननीय श्री काशीराम साहब किया करते थे। यूथ को जोड़ना हो गया, चाहे वो सीनियर सिटीज़न का हो गया, महिलाओं के लिए महिलाओं को जोड़ना हो गया। इस तरीके से अगर बहुजन समाज और मूवमेंट को जोड़ते हैं तो बहुजन समाज की ताकत आज 85% की ताकत है, जो माननीय श्री काशीराम साहब ने कहा था और हमेशा अपने पेन को लेकर उदाहरण दिया करते थे कि उनको बताते थे कि जो उसका ढक्कन है वो 15% है, बाकी का पेन जो है वो 85% है। इस तरीके से माननीय श्री काशीराम साहब ने हमेशा बहुजन समाज को जोड़ने का कार्य करा था। बहुत सारे लोग इसको तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसके टूटने से, बहुजन समाज खंडित होने से बिखर सकता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है एकता मिशन मूवमेंट के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है आज, तभी बहुजन समाज पार्टी का विकास और उन्नति हो पाएगी और कहीं ज़्यादा शक्ति से फिर दोबारा निकल कर आ पाएगी और देश की प्रधानमंत्री बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती बन पाएंगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।